हेलो दोस्तों, आज हम यहाँ पर बात करने वाले हैं जस्ट डायल लिमिटेड से रिलेटेड। जस्ट डायल आज लगभग 20% ये भागता हुआ नजर आया है, और अगर आपको याद हो, अगर आप मेरे से लंबे टाइम तक जुड़े हुए हो तो आपको पता चलेगी मैंने इससे रिलेटेड काफी बार वीडियो बनाई है, और मैंने एक टारगेट दिए भी है जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। जस्ट डायल एक साल पहले मैंने ये पर एक नहीं दो दो बार यहाँ पर वीडियो बनाई थी, और मैंने अपने टारगेट दिए थे 1800 रुपए के, ठीक है ना। तो यहाँ पर अच्छी खासी तेजी, अब यहाँ पर मैंने लिखा भी है तेजी की शुरुआत, पिक्चर अभी बाकी है और तेजी की शुरुआत होगी, ठीक है ना। और वो तेजी की शुरुआत का डंका मेरे ख्याल से आज से यहाँ पर लगता हुआ नजर आया है। तो इसलिए इस शेयर से रिलेटेड हम बातें करेंगे, जानेंगे कंपनी के फंडामेंटल, फाइनेंशियल और सब चीज से रिलेटेड। बट बिफोर द वीडियो में आगे बढ़ू, आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आई एम स्मॉल कैप इन्वेस्टर, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को हिट, ऑल की नोटिफिकेशन ऑन करिएगा। बाइंग सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं है, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर, खुद की स्टडी करना और चीजों को सीखने पे ध्यान देना है। जितना चीजों को सीखने पे ध्यान देंगे उतना ही पैसा आपके लिए यहाँ पर बनता हुआ नजर आएगा। सीखने का तरीका है वीडियो जाके देखिए, जितना वीडियो देखेंगे उतना समझ में आएगा। इसके अलावा बेसिक टू एडवांस टेक्निकल रिसर्च फंडामेंटल, ये हमने एक कोर्स तैयार कर रखा है। किस लिए तैयार कर रखा है? इसलिए तैयार कर रखा है क्योंकि जो यहाँ पर अच्छा खासा पैसा स्टॉक मार्केट से बनाना चाहते हैं, समझना चाहते हैं कि स्टॉक मार्केट किस तरीके से बिहेव करती है, वो हमारा इस कोर्स को ज्वाइन करके यहाँ पर बेसिक्स टू एडवांस कोर्स, रिस्क मैनेजमेंट, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो सब कुछ यहाँ पर समझ सकता है। और 25,000 रुपये इस कोर्स की कीमत है। 3 मंथ की हैंड होल्डिंग, स्टडी यूज इन स्टॉक मार्केट, ऑनलाइन नोट सब कुछ दिया जाता है। कोर्स कंप्लीट होते ही साथ आपको क्या करना है, आपको सिंपली वो करना है जो यहाँ पर पढ़ाया जाएगा, उसके बाद आपकी लाइफ सेट है। 8860540501 8169261037 दोनों नंबरों को सेव कर लीजिए, कोर्स की डिटेल ले लीजिए। साथ में काम करना है तो भी आप हमारे साथ इन नंबरों पे कांटेक्ट करके साथ में काम कर सकते हैं। बाइंग सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं है, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर, खुद की स्टडी करना है, इस शिट को हमेशा याद रखिएगा। बात करते हैं जस्ट डायल की। जस्ट डायल की अगर हम बात करें तो कंपनी यहाँ पर पहली बात तो रिलायंस ग्रुप का हिस्सा है, ठीक है। दूसरी बात बात करें कंपनी करती क्या, तो यहाँ देखिए मार्केट लीडर है इन लोकल सर्च इंजन सेगमेंट इन इंडिया। आपको किसी भी तरीके की कोई भी क्वेरी है, आप जस्ट डायल पे जाइए, वहां पर टाइप करिए, वहां पर उनकी डिटेल्स, आप उनके नंबर्स के साथ आपको यहाँ पर पूरे के पूरे डिटेल्स आती हुई दिखाई देगी। आप वहां पर से इजीली सर्च कर सकते हैं। द कंपनी प्रोवाइड्स लोकल सर्च रिलेटेड सर्विस टू यूजर अक्रॉस इंडिया इन प्लेटफॉर्म एग्नोस्टिक मैनर। द मल्टी प्लेटफॉर्म ऑफरिंग इंक्लूडिंग ऐप मोबाइल, है ना, तो आप कहीं पर भी इसे मोबाइल ऐप पे, यहाँ पर डेस्कटॉप पर, कहीं पर भी आप यूज कर सकते हो। पैन इंडिया प्रेजेंस है, आप चाहो तो एक बार इनकी वेबसाइट को विजिट करेंगे तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि आप मैं क्या बातें कर रहा हूँ, है ना। किसी भी तरीके की आपको रिपेयर या कोई भी डॉक्टर किसी भी चीज की जरूरत है, आप सिंपली यहाँ पर टाइप करें। जैसे ही टाइप करेंगे सारी की सारी डिटेल्स आपके आस पास में यहाँ पर आती हुई नजर आएगी। आगे बढ़ते हैं, जानते हैं कंपनी के फाइनेंशियल से रिलेटेड। मार्केट कैप देखिए, 10,000 करोड़ रुपए की मार्केट कैप है, तो मतलब क्या है, अभी भी स्मॉल कैप शेयर है। और जब स्मॉल कैप की बात करूं तो दो चीज याद रखिएगा, सबसे पहले हमारे चैनल का नाम आई एम स्मॉल कैप इन्वेस्टर है, हमारी एक्सपर्टाइज इसमें है। दूसरी बात, जब हम बात करें स्मॉल कैप की तो इस चीज को ध्यान में रखना है कि जब शेयर भागता है तो आपको बहुत अच्छा लगता है। शेयर यहाँ पर देखिए किस तरीके से भाग रहा है, और जब से दिया है तब से यहाँ पर देखिए डबल भी हो गया। बट जब शेयर गिरता है तो यहाँ पर आपको यह भी ध्यान में रखना होगा कि शेयर जैसे ही गिरता है तो 1800-1900 रुपए वाला लेवल ना कैसे यहाँ पर नीचे आ जाता है, वो आपको खुद ही समझ में नहीं आएगा। जैसे कि यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो आपको यहाँ पर समझ में आएगा कि ये शेयर कभी 20,000 रुपए के आसपास हुआ करता था, सॉरी 1900 रुपए के आसपास हुआ करता था, और 1900 से धड़ाम होके, ठीक है ना, यहाँ पर आता हुआ दिखाई दिया। थोड़ा सा यहाँ पर नेट की दिक्कत आ रही है, ठीक है, इसकी वजह से यहाँ पर थोड़ा सी प्रॉब्लम आ रही है। अदरवाइज यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ देख लीजिए, तो यहाँ पर आपको समझ में आएगा कि 1800-1900 रुपए का जो लेवल था, जो जिस तरीके की गिरती है वो गिरावट होती है। तो इसे क्या कहते हैं, इसे स्टेजेस कहते हैं। कैसे ये स्टेजेस काम करती है ना, और किस बेस पे हमने यहाँ पर ये शेयर दिए थे, वो आपको यहाँ पर समझ में आएगी अगर आप हमारा ये कोर्स को ज्वाइन करेंगे, आपको पूरा आइडिया लगता हुआ नजर आएगा। कंपनी में आगे बढ़ते हैं, यहाँ देखिए इंडस्ट्री का पी 52 का है और इसका पी 29 का है, तो बड़ा सस्ता नजर आता है। बट स्टिल मैं हमेशा कहता हूँ पी के बेस पे काम नहीं करना, ठीक है ना, आपको अपने दिमाग का यूज करना है और अपने टेक्निकल एनालिसिस, यहाँ पर फंडामेंटल, फाइनेंशियल, ये सब चीज समझ के आपको यहाँ पर चीजों को ध्यान में रखना है, है ना। एक मूवमेंट होता है, उस मूव को यहाँ पर पकड़ना है, आप अगर वो पकड़ पाओगे पैसा बनता हुआ नजर आएगा। बात करते हैं ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन की, 100% का मार्जिन है, सेल्स ग्रोथ अच्छी खासी है ना, प्राइस टू बुक वैल्यू की बात करें तो ज्यादा
महंगा नहीं है, यहाँ पर डेट फ्री शेयर है, ये अच्छी बात है, रिटर्न एसेट्स अच्छा खासा है, डिविडेंड कंपनी दे नहीं रही क्योंकि चार्ट देख के ही समझ में आ रहा है कि यहाँ पर देखिए लगातार घाटा ही हुआ होगा पहले, तो इसलिए क्या यहाँ पर देगी। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर समझ में आएगा सेल्स, कंपनी की सेल्स की बात करोगे तो यहाँ पर समझ में आएगा धीरे धीरे ग्रेजुअली सेल्स बढ़ती हुई नजर आ रही है। अभी इसके नंबर आए थे और इसके नंबर आप देखेंगे तो देखिए 281 करोड़ की हाईएस्ट एवर पिछले 12 क्वार्टर में यहाँ पर सेल्स हुई है। साथ में हम बात करें ऑपरेटिंग प्रॉफिट 81 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट है जो कि हाईएस्ट एवर है ना, मार्जिन अच्छा खासा है, एज वेल एज नेट प्रॉफिट की और बात करें और ईपीएस की बात करें लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, 2 से यहाँ पर 16 आ गया है। तो ये क्या है, ये चेंजेस होते हुए नजर आ रहे हैं, मतलब कंपनी इज डूइंग वेरी गुड। और प्रॉफिट एंड लॉस की बात करें तो यहाँ पर समझ में आएगा कि यहाँ पर कंपनी का जो प्रॉफिट एंड लॉस है, ठीक है, यहाँ पर देखिए यहाँ पर लगातार यहाँ पर ईयरली बेस पे अच्छा खासा परफॉर्मेंस है, ठीक है। नेट प्रॉफिट की बात करें जो यहाँ पर लैग करता हुआ नजर आ रहा था यहाँ पर, वो अब धीरे धीरे ग्रेजुअली बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, हाईएस्ट एवर यहाँ पर प्रॉफिट पे यहाँ पर बैठी हुई है कंपनी। बात करें रिजर्व्स की तो अच्छे खासे 4000 करोड़ के आसपास के रिजर्व्स हैं, बोरिंग ना के बराबर है, ठीक है, 4600 करोड़ के आसपास की यहाँ पर इन्वेस्टमेंट है। कैश की बात करें तो कंपनी के पास अच्छा खासा यहाँ पर 18 करोड़ रुपए के छोटा मोटा ही कैश रखा हुआ है। डिविडेंड जैसे कि मैंने बताया पहले दिया करती थी, बीच में यहाँ पर कुछ सेटबैक आए तो इसलिए नहीं दिया, बायबैक बट कंपनी यहाँ पर करती हुई आई है। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर पता चलेगा कैश फ्लोज अच्छे हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो देखिए 75% के शेयर एज इट इज प्रमोटर के पास है, है ना। एफआईज की बात करें तो एफआईज के भी लगातार हिस्सेदारी बढ़ाई है ना, डीआईज के पास अच्छी खासी हिस्सेदारी है और पब्लिक की हिस्सेदारी कम हो रही है जो कि यहाँ पर ऑब्वियस सी बात है, ये होता ही होता है, जब चीजें भागती है ना तो पब्लिक पहले ही यहाँ पर निकल जाती है। बात करें यहाँ पर ये आप देख सकते हैं वीएस मानी ने यहाँ पर अच्छे खासे शेयर यहाँ पर लास्ट ईयर लेते हुए नजर आए थे और बाइंग सेलिंग तो यहाँ पर चलती ही रहती है। तो आगे बढ़ते हैं और जानते हैं इसके चार्ट से रिलेटेड, पर बिफोर द चार्ट में आगे बढ़े आपसे रिक्वेस्ट करूंगा आई एम स्मॉल कैप इन्वेस्टर चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को हिट ऑल को नोटिफिकेशन ऑन करिएगा। बाइंग सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं है, नंबरों को नोट करके कॉल जो हमारे साथ काम कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, जस्ट डायल की बात करें तो जैसे कि मैंने बताया था कि स्टेजेस में काम होता है, अब यहाँ पर स्टेज 2 आ गई है और स्टेज यहाँ पर आप देखेंगे आज के दिन में एक ब्रेकआउट भी होता हुआ नजर आया है, ठीक है ना। और ये जो ब्रेकआउट है ये कप विद हैंडल पैटर्न का ब्रेकआउट है, तो सबसे पहले तो टारगेट 1900 आ ही रहे हैं, ठीक है ना, 1900 की तरफ ये बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अब कब तक आएंगे ये कहना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, बट हाँ ये दिखाई दे रहा है कि ये 1900 रुपए के आसपास के टारगेट जो हमारे हैं वो यहाँ पर अचीव होते हुए नजर आएंगे, बट उससे पहले 1750 रुपए के आसपास ये शेयर रखता हुआ नजर आएगा। अब करना क्या है, ठीक है, क्या देखो कि आज देखिए 20% भागा है, ठीक है, तो क्या इतने ऊपर पे लेना सही रहेगा, तो मेरा कहना आपसे ये है सबसे पहली बात तो यहाँ पर आप देखेंगे तो एक ब्रेकआउट होता हुआ नजर आया है। ये शेयर अगर आपको 1150 रुपए के आसपास 70-80 रुपए थोड़ा सा नीचे मिलता है, ठीक है, घूमता है आराम से यहाँ पर आराम से मजे लेता है, ठीक है, आराम से गिरता है, तो उस केसेस में थोड़ा सा नीचे आने दीजिए। नीचे जैसे ही ये शेयर यहाँ पर आएगा आना तो बाय ऑन डिप्स की रणनीति अपनाइएगा और फिर उसके बाद यहाँ पर काम करिएगा। बाकी जो यहाँ पर अभी अगर चढ़ने के लेने की बात कर रहे हैं ना, इतनी ऊंचाई पे लेने की बात कर रहे हैं, तो उस टाइम आपको एक स्टॉप लॉस लगाना बहुत जरूरी है, क्यों, क्योंकि जब चीजें नीचे आएगी तो आप सोचेंगे कि लॉस हो रहा है ना, और फिर जैसे ही आप यहाँ पर बेच देंगे फिर शेयर दोबारा भागने लग जाएगा। तो ये सब्र वाला स्टॉक है ना, आप इसमें पेशेंस दिखाएंगे ये शेयर आपको यहाँ पर रिवॉर्ड दिखाता हुआ नजर आएगा। तो मेरे कहने पर नहीं लेना, किसी और के कहने पर नहीं लेना, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर खुद की स्टडी करना है, चीजों को सीखना है, जितना चीजों को सीखेंगे उतना पैसा बनेगा। और याद रखिए टारगेट केवल इतने नहीं है, टारगेट और भी ऊपर है, जब ये शेयर यहाँ से निकलेगा ना तो ये शेयर के टारगेट 2300 रुपए के आसपास भी आते हुए दिखाई दे रहे हैं, है ना। और 2300 क्या है, यहाँ पर ये शेयर फिर 4000 और 5000 की भी जर्नी तय करे तो कोई बड़ी बात यहाँ पर होती हुई नजर नहीं आएगी। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, जितना हो सके हमारे चैनल को प्यार दीजिए, बढ़ाइए, है ना, हम यहाँ पर 12K पे ही अटके हुए हैं। और जितना हो सके इन नंबरों को नोट करके साथ में काम करिए, एज वेल एज सीखे, जितना सीखेंगे उतना आपका मनोबल भी बढ़ेगा, आपको नॉलेज बढ़ती हुई नजर आएगी और अच्छा यहाँ पर पैसा बनता है वो भी नजर आएगा। सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस।